हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल इम्परफेक्ट वीडियोस में। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और अब बात करते हैं आज के दिन के बारे में। दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर 2020 और इतिहास में आज के दिन क्या कुछ खास घटनाक्रम हुए थे अगर इस बारे में बात की जाए तो दोस्तों, आज के दिन सन 1875 को नाडियाड गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। ये जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री रहे। ये सरदार पटेल के उपनाम से ज़्यादा याद किए जाते हैं। सरदार पटेल भारतीय बैरिस्टर और जाने माने राजनेता रहे। भारत की आज़ादी के लड़ाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में से एक ये रहे और 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पहले 3 साल ये उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री रहे। और आज़ादी के बाद करीब 500 से भी ज़्यादा देसी रियासतों का एकीकरण एक सबसे बड़ी समस्या थी और कुशल कूटनीतिज्ञ और ज़रूरत पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप के जरिए सरदार पटेल ने उन ज़्यादातर रियासतों को तिरंगे के तले लाने में सफलता हासिल की दोस्तों। और इसी उपलब्धि के चलते इन्हें लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क की उपाधि से सम्मानित किया गया दोस्तों। इन्हें मरणोपरांत 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। साल 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों, इसके अलावा आज ही के दिन सन 1943 को तिरुवनंतपुरम केरल में जी माधवन नायर का जन्म हुआ था। ये भारत के जाने माने सम्मानित वैज्ञानिकों में से एक रहे हैं। ये इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतरिक्ष विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष और सचिव पद पर कार्यरत रहे। इनका ध्यान हमेशा उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभों को पहुँचाने, खासकर समाज के ग्रामीण और निर्धन वर्गों की जरूरत को लक्षित करने पर केंद्रित रहा। और दोस्तों, जी माधवन नायर ने अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान 25 सफल मिशन पूरे किए थे। बात की जाए पुरस्कार और उपाधियों की तो 1998 में पद्म भूषण, 2009 में पद्म विभूषण और 2009 में ही नई दिल्ली में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से मैन ऑफ द ईयर और इसके अलावा भी कई और पुरस्कार और उपलब्धियाँ इनकी रही हैं। और बात की जाए आज के दिन निधन हुए व्यक्तित्व की तो दोस्तों, आज के दिन सन 1975 को सचिन देव बर्मन का निधन हुआ था। ये हिंदी और बांग्ला फिल्मों के जाने माने संगीतकार और गायक रहे। इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1906 को त्रिपुरा, बांग्लादेश में। सचिन देव बर्मन को एचडी बर्मन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। दोस्तों, सचिन देव बर्मन एक ऐसे भारतीय संगीतकार रहे हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, छोड़ दो आंचल समाना क्या कहेगा, है अपना दिल तो आवारा और इसके अलावा भी कई यादगार गीत सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में बने हैं दोस्तों। बात की जाए पुरस्कार और उपाधियों की तो ये पद्मश्री और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के बतौर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के बतौर फिल्म फेयर अवार्ड से ये सम्मानित रहे हैं। और दोस्तों, इसके अलावा आज ही के दिन सन 2005 में अमृता प्रीतम का भी निधन हुआ था। ये एक जानी मानी कवयित्री, उपन्यासकार और निबंधकार रही हैं और इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1919 को गुजरांवाला, पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है। इन्हें 20वीं सदी की पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री माना जाता है और इनकी लोकप्रियता सीमा पार पाकिस्तान में भी बराबर है। इन्होंने पंजाबी जगत में 6 दशकों तक राज किया। अमृता प्रीतम ने कुल मिलाकर लगभग 100 पुस्तकें लिखी हैं और इनमें इनकी चर्चित आत्मकथा रसीदी टिकट भी शामिल है दोस्तों। अमृता प्रीतम उन साहित्यकारों में रही हैं जिनकी कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और अपने आखिरी दिनों में अमृता को भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण भी हासिल हुआ है और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पहले ही अलंकृत किया जा चुका था दोस्तों। रसीदी टिकट के अलावा कागज ते कैनवास, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना रही है और इसके अलावा पिंजर भी इनकी यादगार रचनाओं में शामिल है और इसके अलावा भी कई यादगार रचनाएं इनकी कलम से निकली हैं। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास और आपको ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।